महा पुरुष पैदा हुए लॉर्ड बुद्ध लॉर्ड महावीरा वो जब जब बड़े बने तो उनके दुश्मन भी पैदा हुए सो ही वाज डिक्लेयर्ड एज अ यू नो क्रिमिनल जीसस लॉर्ड जीसस और उनको कारावास में डाला गया जी और उनको सजा क्या सुनाई दी पता ऐसी सजा इतिहास में कभी नहीं सजा ऐसा नहीं हुआ सजा फांसी की है काट देना चाहिए एक क्षण में हलाल हो जाएगा कुछ और करना भी सही है लेकिन उनको सजा क्रॉस सुना सजा क्रॉस क्रूसिफिकेशन मतलब एक जिंदा इंसान को नहीं करना एक सिंपल सा एक नॉर्मल व्यक्ति को अगर उन्होंने टच नहीं करके ऐसा किया तो आउच करके उठता है एक जिंदा इंसान को जब कीट होके जाते हैं तो उसका दर्द असीम होता होता है राइट तो वो दिन था दैट डूम्सडे का व्हेन जीसस वाज सपोज्ड टू बी क्रूसिफाइड तो क्रूसिफिकेशन के लिए हजारों लोगों को ग्राउंड पे लेके जाना था और उनको क्रॉस पे चढ़ाना था वो क्रॉस जीसस को देखा क्रॉस नहीं पड़ रही थी तो क्रॉस पे चढ़ाना था तो जब जीसस को निकाला गया सिंस ही वाज अ हीरो ही वाज बैडली टॉर्चर्ड हीरो को ज्यादा टॉर्चर मिलता है हम सब ऐसे देखते रहते हैं तो उनको नंगे बदन पे घोड़े बसाए गए और उनके ऊपर इतना बड़ा क्रॉस लाद दिया गया जो ऐसे हट्टे कट्टे आठ दस भी उठा नहीं पाए जब जब गिरते थे घोड़े बरसाए जाते थे कंकड़ से मारे गए पत्थर से लेके गए मारे गए और फेंसिंग वाला आया था उससे मारे गए तो इंसान तो ऐसी क्षण की क्षण पैदा हो इंसान तो आधा मात्र ऐसे मर गया गिरते पड़ते ऐसे करते करते ग्राउंड में लिया गया और ग्राउंड में उनको उस क्रॉस के ऊपर सुनाया दिस इज द टाइम जब उनका टाइम बजा टम टम और जीसस को ऐसा सुनाया गया बाकी लोगों को भी सुनाया गया लेकिन जीसस ने इतिहास रचा क्योंकि उनके पास फॉरगिवनेस लॉ ऑफ रिटेंशन कैसा होता था और बाकी लोगों ने इतिहास नहीं रचा तो जब सबको सुनाया गया सब बद्दुआ दे रहे थे क्योंकि एक जिंदा इंसान को कीट हो जा रहा और टू ऐड टू देयर पे उनको ऐसा खड़े कर दिया जा कैन यू बिलीव दैट उस रूम में टंगे रहना इमेंस पे और मौत आने तक ऐसे ही रहना न खाना न पानी तो हमारे जैसे और आपके जैसे आम लोगों का इंटेंशन कैसा है अगर मैंने किसी को थप्पड़ मारा ये साहब है इसको जाकर मैं एक थप्पड़ मारा तो ये मेरे को दुआ देगा कि बदुआ बदुआ यू विल फील गुड अबाउट यू बैड अबाउट यू देयरफॉर ये सब खत्म है और वहां पे बाकी लोग बदुआ दे रहे थे इनको जो उनके ऊपर जुर्म डाल रहे थे मतलब तुम लोगों को पानी में सिखना हो है ना तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़े गाली मार दे रहे अब्यूजिंग बदुआ दे रहे राइट सो देयरफॉर देयर वाज कॉमन मैन लाइक और जिसको सुनहरे शब्दों में इतिहास को लिखा गया उस असीम दर्द में उन्होंने ऊपर देखा और उनको नीचे देखा और हंसा क्योंकि वो भी काम इंसान का और हंस के ऊपर ऐसा कुछ बोला ओ लॉर्ड ओ गॉड फॉरगिव देम फॉर दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग हे ईश्वर हे प्रभु इन्हें माफ कर दे क्योंकि ये जानते नहीं है क्या कर रहे जो करता है सबको माफ उसका दिल होता है साफ जिसका दिल होता है साफ उसमें शेर का बंदा है